एक तरफ देश से लेकर दुनिया भर में महामारी बढ़ रही है, वहीं चीन में जनजीवन लगभग पटरी पर लौट आया है। वहां पर दफ्तरों और ट्रांसपोर्ट के साथ ही स्कूल कॉलेज भी खुल चुके हैं। किंडरगार्टन से लेकर बड़ी कक्षाओं के बच्चे भी मास्क पहनकर स्कूल जा रहे हैं। वैसे चीन के स्कूलों में पढ़ाई के तरीके चुनौतीपूर्ण माने जाते हैं। फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए वहाँ स्कूली बच्चों के लिए एक इंटेलिजेंट यूनिफॉर्म बनी है। ये बच्चों की हर हरकत पर नजर रखती है, यहाँ तक कि ये भी ट्रैक करती है कि उसने होमवर्क किया है या नहीं। चीन के स्कूलों में स्टूडेंट्स के लिए स्मार्ट यूनिफॉर्म शुरू की गई है, इसे उन्हें पहनकर स्कूल आना होगा। इस यूनिफॉर्म की खासियत ये है कि इसमें दो तरह की चिप लगी होगी, एक GPS ट्रैकर का काम करेगा और दूसरा चेहरे की पहचान करेगा। इस यूनिफॉर्म को दक्षिण पश्चिमी चीन के प्रांत गुंजाओ के कई स्कूलों में लागू किया जा चुका है। इसका उद्देश्य यह है कि बच्चे नियमित तौर पर स्कूल आएं, वे स्कूल आने के बहाने इधर उधर नहीं चले जाएं, वे जहां कहीं भी हो उनका पता लगाया जा सके। फिलहाल के लिए देश विदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आवाज इंडिया न्यूज़।